बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर एजाज़ अदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर करे, आमीन। दोस्तों, आज जो मैं टैबलेट लाया हूँ, आज इस टैबलेट का लिवोप्राइड के बारे में मुकम्मल रिव्यू दूंगा। आप लोग भी दरख्वास्त है वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, लिवोप्राइड टैबलेट, ये टैबलेट मैदे में तेजाबियत के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल करने से मैदे की तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। ऑस्मोटिक डिसऑर्डर क्या होती है? ये दिमागी मरीज़ होते हैं जो दिमागी डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी ये टैबलेट बहुत मुफीद है। ये टैबलेट सिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में भी इस्तेमाल होती है, इसके लिए भी बहुत मुफीद है, और जिंसी मिलाप के लिए भी ये बहुत मुफीद मानी जाती है, यानी मर्दाना ताकत के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा गुस्से का आना, बेचैनी, डिप्रेशन के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अब इसकी बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नींद आ सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, उल्टी का होना, पतली का होना, सर चकराना भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बात करें इसकी कि मैदे की तेजाबियत के लिए 25 मिलीग्राम एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम खानी है। इसी तरीके से यानी कि ये आपने खाना खाने से पहले लेनी है। अब अगर बात करें डिप्रेशन और में जो मर्ज़ यानी कि सिज़ोफ्रेनिया में जो मुब्तला हैं, वो एक से दो हफ्ते इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, और जिनसे मिलाप के लिए मिलने वाली जो एक घंटे से पहले, मिलने से एक घंटा पहले आप इस गोली का इस्तेमाल करें। पावर इसका 25 मिलीग्राम ही आपने लेनी है 25 mg में, और अगर इस जो बात करें इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो वो माएँ जो दूध पिलाने वाली हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो लोग इस टैबलेट से एलर्जी रखते हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हेल्थ इज़ वेल्थ एजाज अदर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मौसूल हो सके। हर वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर कहता हूँ कि किसी भी किस्म की मेडिसिन आप इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं इसी तरह की नई नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। इजाज़त दें डॉक्टर एजाज अदर को, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेमेडी, एक नए टोटके, एक नए नुस्खे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।